पत्थलगांव से बड़ी खबर है, जहां हाथियों का आतंक जारी है। पूर्व सांसद रणविजय सिंह जुदे के बगीचे में हाथियों ने उत्पात मचाया। 10 से अधिक फलदार पेड़, हैंडपंप और घर को नुकसान पहुंचाया। कुनकुनी क्षेत्र का कुंजारा गांव के बगीचे में उत्पात हाथियों ने मचाया है। बगीचे के चौकीदार ने भागकर अपनी जान बचाई है। तो पत्थलगांव से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां हाथियों का आतंक जारी है। पूर्व सांसद रणविजय सिंह जुदे के बगीचे में हाथियों ने उत्पात मचाया है। 10 से अधिक फलदार पेड़, हैंडपंप और घर को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। कुनकुरी क्षेत्र का कुंजारा गांव के बगीचे में हाथियों का उत्पात यहां पर देखा गया। बगीचे के चौकीदार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। तो पत्थल गांव से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर हाथियों का आतंक जारी है। पूर्व सांसद रणविजय सिंह जुदेव के बगीचे में हाथियों ने उत्पात मचाया है। 10 से अधिक फलदार पेड़, हैंडपंप और घर को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। कुनकुरी क्षेत्र का कुजारा गांव, जहां के बगीचे में हाथियों ने उत्पात मचाया है। बगीचे के चौकीदार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। तो पत्थल गांव, जहां लगातार हाथियों का आतंक यहां देखने को मिलता है, और एक बार फिर से यहां हाथियों का आतंक देखा गया। तमाम कोशिशें वन विभाग की ओर से यहां पर की जाती है, उसके बावजूद भी हाथी आसानी से गांव की ओर रुक कर जाते हैं और उत्पात यहां मचाते हैं। रमेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रमेश, लगातार हम देख पा रहे हैं कि पत्थल गांव एक ऐसा इलाका बन चुका है जहां पर हाथियों की आमद लगातार होती है और जमकर यहां पर उत्पात मचाते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जशपुर जिले का एक दुर्भाग्य है यहाँ पर कि हाथियों का यहाँ लंबे समय से जमावड़ा बना हुआ है, और हाथियों को क्या जंगलों में चारा पानी उपलब्ध नहीं हो पाने से ये हाथी अक्सर आबादी क्षेत्र में निकल के आ जाते हैं, और इसके इस दौरान हाथी ग्रामीणों के घरों को तोड़फोड़ करने के साथ जनहानि की भी वारदातों को बार बार अंजाम दे रहे हैं। कल भी यह हादसा ऐसा ही हुआ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रणविजय सिंह जुदेव का कुंजारा गांव में इनका एक अपना बगीचा है, और यहाँ पर हाथियों ने धावा बोल दिया था। 10 से 15 हाथियों की संख्या थी, और इन हाथियों ने उनके बगीचे में पहुंचकर दर्जन भर से अधिक फलदार वृक्षों को क्षतिग्रस्त किया। इसके बाद में वहां पर उनका आवास है, आवास में भी क्षति पहुंचाई है, और हाथियों का उत्पात इतने में नहीं रहा, वहां पर एक हैंडपंप था जिसको भी हाथियों ने उखाड़ कर तोड़ डाला था। अब वहां पर उस समय घटना के समय सांसद रणविजय सिंह जुदेव के चौकीदार वहां पर था, लेकिन हाथियों का इतना उत्पात देखने के बाद वो उसने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाने में सफलता पाई है। हाथियों का लगातार उत्पात के बाद भी वन विभाग यहाँ पर कोई सुरक्षा के लिए कोई अभी तक ठोस उपाय नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से गांव के लोगों में अच्छा खासा आक्रोश है, और उन्हें स्वयं अपने हाथियों के उत्पात से स्वयं बचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश इस पूरी जानकारी के लिए।